हेलो एवरीवन, मैं थोड़े प्लम्स इकट्ठे कर रही हूँ। सोचा कि आज प्लम जैम बनाती हूँ और मैं अपने ऑर्चिड में खड़ी हूँ अपर शिमला में। इधर मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको कितने सारे प्लम्स हैं यहाँ पे। काश मेरी हाइट थोड़ी सी और बड़ी होती ना तो ये प्लम आसानी से निकल जाते। अल्टीमेटली लास्ट निकाल दिया मैंने। घर से तो छोटा सा बास्केट लेके आई थी, थोड़े से बनाऊंगी, पर प्लम इतने राइप हो चुके थे कि करते 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 इतने कलेक्ट कर चुके हैं और बास्केट छोटी है। तो अब मैं थोड़ा देसी स्टाइल करूंगी, लंबी टी शर्ट का फायदा उठाऊंगी। तो अब हमने प्लम्स को धो दिया, फिर उसके बाद इनको ड्राई किया। मतलब मैंने तो थोड़ी जल्दी थी तो मैंने डार्क ड्राई कर दिया इनको, मतलब डाल लिया, उससे सारी रब कर दिया, अच्छे से क्लीन करके मैंने रख दिया। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको शेडो ड्राई भी कर सकते हैं, कहीं पे जहाँ ज़्यादा धूप नहीं है वहाँ पर भी खेल कर रखो अच्छे से, तो ये ड्राई हो जाएंगे। तो मैंने प्लम्स वॉश कर लिए थे अच्छे से, उसके बाद इनको ड्राई करना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर थोड़ा भी पानी रहेगा तो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और मॉइस्चर ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। और अब मैं इसके नेक्स्ट स्टेप क्या कर रही हूँ कि इसको पील कर रही हूँ। सबको पील करने से क्या होगा, जो हल्का सा कड़वाहट होती है ना वो निकल जाएगी। वैसे ये स्टेप ऑप्शनल है, किसी को निकाल के अच्छा लगता है, किसी को बिना निकाले, तो ये उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर जब ये सब मैं निकाल दूँगी उसके बाद मैंने इन सबको
डी सीड करना है इनकी सबकी सीड्स निकाल के, फिर नेक्स्ट स्टेप तब बताओ। अब मैंने प्लम्स की सारी, ऑलमोस्ट सभी प्लम्स की सीड निकाल दी है और मेरा कंटेनर भी फुल हो ही गया ऑलमोस्ट। मक्खियाँ इतना परेशान कर रही है ये। अब बस ये थोड़े से रह गए, इनको करने के बाद हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। टाटा। अब मैंने सारे प्लम्स इसमें डाल दिए अपने हॉट पॉट में। इसमें अब तो मतलब सबसे इजी काम है ना, जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो हम दिन को कर चुके हैं। अब प्लम में हम शुगर डालेंगे। शुगर मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाली है, मतलब तो आपको दिख ही रहा होगा कितनी सारी है। ये इसलिए ज़्यादा डाली है बिकॉज ऑब्वियसली जैम मीठा होता है, वो तो सबको पता है, बट ऑल्सो इट एक्ट्स एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, तो इसमें इसलिए ज़्यादा शुगर डलती है। मैंने ऐसे क्वांटिटी कुछ मेजर करके नहीं डाली है, मैंने खुद ही ऐसे एस्टिमेट कर दिया कि हाँ इतनी ठीक रहेगी। सो प्रेफरेबली क्या होता है ना, जितनी आपके पास प्लम की क्वांटिटी है उसकी 2/3 डालोगे ना अगर आप, काम बन गया। तो ये प्लम डाल दिया है और थोड़ा सा, और अगर आप इसका फ्लेवर इन्हेंस करना चाहते हैं ऑल्सो यू कैन ऐड इलायची पाउडर। ये मैंने पहले ही ग्राइंड करके रख दिया था, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इसको। वाह कितना अच्छा लग रहा है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड ग्लेजी। अभी थोड़ी देर में क्या होगा ना, जब शुगर मेल्ट होने लगेगी ना, इसका और जूस निकलेगा, और जूस निकलेगा। और ये उतना कंसिडर नहीं हो, जस्ट लुक एट मी, एक पीस ऐसे ही रह गया। इसको कहीं साइड में निकाल देती हूँ। ओके मीन वाइल जब तक ये पक रहा है ना, मैं मुझे लगा एक और है जिसको मैंने सीधी निकाला। अच्छा मीन वाइल ये पक रहा है ना, मैं आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताती हूँ। प्लम के हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक तो सबसे ही कॉमन है जो सबको पता है क्या, कि ये एक नेचुरल लेग्जेटिव है। लेग्जेटिव मतलब आपके मोशंस को ईज करता है, कॉन्स्टिपेशन हटाता है इन कॉमन लैंग्वेज। ऐसा क्यों है, क्यों हटाता है, बिकॉज इसमें दो कंपाउंड्स होते हैं, एक है आइसिटिन और दूसरा है सॉर्बिटॉल। ये दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं ना, इनसे आपके मोशंस थोड़े ईजी हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा बोन कॉम्पोजिशन है ना, उसमें एक कंपाउंड रहता है बोरॉन, वो भी इसमें होता है। वो आपकी बोन डेंसिटी को और अच्छा करता है, मतलब बोन स्ट्रांग हो जाती है उससे आपकी। एंड अच्छा एक और है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स से हम सबके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है, कि स्किन के लिए अच्छा होगा। ऑब्वियसली स्किन के लिए तो अच्छा है ही, बट एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो फिर ये इससे क्या होगा कि आपको हार्ट डिजीज नहीं होगी, हार्ट हेल्दी रहेगा। मतलब तो कुछ ऐसी कनेक्टेड चीज़ें होती है ना, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको हेल्प करती है। तो ये आपके बेनिफिट्स थे इसके। अभी देखते हैं इसका क्या हाल है। ओह यस मेकी, पर देखो कितना प्यारा सा रोज कलर आ रहा है। ओह माय गॉड, और आप सभी ने देखा था मैंने इसमें कोई कलर कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सब कुछ नेचुरली चल रहा है इसमें। यही तो फ़ायदा है घर पे जैम्स बनाने का, क्या कि यू कैन मेक इट विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। व्हाई, अभी मैंने कहा ना जैसे ये इतनी सारी चीनी डाल दी, इट विल एक्ट एज अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव। वैसे ही जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, मतलब नमक का सॉल्यूशन होता है, वो भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। और जैसे जब अचार बनते हैं उसमें ऑयल क्यों ज़्यादा डलता है, क्योंकि वो भी नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। तो मतलब ऐसे ऐसा ही है। तो ये सब थे इसके हेल्थ बेनिफिट्स, और इसमें विटामिन सी भी होता है, सो अनदर हेल्थ बेनिफिट। और उसके साथ साथ ना हम इसमें एक और विटामिन सी रिच कंपोनेंट डालेंगे, वो है नींबू। ये किस लिए डालेंगे हम, ठीक है थोड़ा फ्लेवर को भी एनहेंस करेगा वन थिंग, बट थोड़ा ही होगा, बट जो मेन काम है इसका, ये भी एज अ प्रिजर्वेटिव एक्ट करेगा, इसलिए ये भी डालेंगे हम, ठीक है।
तो मैं इसको डालती हूँ। मीन वाइल आपको मैं ये दिखाती हूँ कितना प्यारा कलर आ रहा है। आई जस्ट लव द कलर। हाँ खुशबू भी बहुत अच्छी है। वाओ जस्ट लुक एट इट। मुझे अभी मम्मी ने बताया कि अगर मैं लेमन लास्ट में ऐड करूँगी, सॉरी लाइम लास्ट में ऐड करूँगी ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाई? बिकॉज शायद थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, तो लास्ट में डालेंगे तो उसका कोई ख़तरा नहीं रहता है। यूजुअली ना मैं लाइम और लेमन में कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो वैसे मुझे डिफरेंस दोनों में पता है, पर बोलते बोलते हो जाते हैं कभी कभी। जैसे कि ये लाइम है और लेमन कौन सा वाला होता है, जो थोड़ा बड़ा होता है। दोनों सेम दिखते हैं, सब कुछ सेम है, बस साइज का डिफरेंस है। दोनों में विटामिन सी तो होता ही होता है। और जो लेमन है ना बड़े वाला, उसकी जो न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन है उसमें थोड़े से ज़्यादा हो गए, ये मान लो कि साइज बड़ा है इसलिए थोड़ा उसमें ज़्यादा है न्यूट्रिएंट्स वगैरह। बस इतना सा। तब तक मैं आपको ये दिखाती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। इसको देखो नेचुरली कितना सुंदर कलर आ चुका है। ये मुझे ना अभी 15-20 मिनट्स हो गए और ये इतना सारा, इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, खुद ही इतना ये लिक्विड हो चुका है। और अच्छी बात पता है क्या है कि अगर हम पहले इसको पील कर लेते हैं, जब इसका जैम बन जाएगा ना, छोटे छोटे फ्रूट पीसेस आते हैं ना खाने में, वो इसी से आते हैं, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। हमने अपने जैम में शुगर डाला है, बट अगर आपको मतलब कुछ इशू है शुगर से, आप शुगर ऐड नहीं करना चाहते, यू कैन ऑल्सो ऐड जैगरी, दैट इज़ गुड। बट क्या है ना कि मैंने आपको बताया शुगर है नेचुरल प्रिजर्वेटिव, बट जैगरी इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यू हैव टू ऐड सम आर्टिफिशियल एजेंट, आर्टिफिशियल सम प्रिजर्वेटिव, ओके। एंड दूसरा मैं क्या कर रही हूँ, साथ ही साथ मैंने इस जार को पहले विम से धोया अच्छे से, फिर उसके बाद मैंने ब्राइन सॉल्यूशन से धोया, फिर अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये पैन में हॉट बॉइलिंग वाटर है और कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी है इसमें, तो मैं इस जार को इसमें डाल दूँगी जब ये बॉयल होगा। वाई? बिकॉज इसको मैं स्टरलाइज कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी से पहले तेल की बॉटल थी, तो ये इसमें कोकोनट ऑयल था तो वो ख़त्म हुआ है, तो आई थॉट वाई नॉट यू नो जस्ट टू मेक यूज़ ऑफ इट। और ये देखो अभी ये फुल था ऑलमोस्ट जब हमने स्टार्ट किया था, बट अब ये धीरे 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 कंसंट्रेट हो रहा है। आओ देखो, अब इसमें ना थोड़ा जैम वाला टेक्सचर आ रहा है, ये देखो। और सबसे मज़ेदार बात क्या है ना कि हमने इसको काट के डाला है ना, तो जो जब हम जैम बन जाएंगे ना, जब इसके पीसेस खाने में आते हैं ना, बहुत टेस्टी लगता है। और दूसरा मैंने ये यहाँ पे क्या रखा है, एक बोल में पानी डाल के रखा है। वाई? बिकॉज अब आपको पता कैसे चलेगा कि कब तक कंसंट्रेट करना है इसको। क्या होता है ना, एक वाटर ड्रॉप टेस्ट होता है, सो व्हाट वी डू इन दैट इज ऐसे ज़रा भर ले लिया ना बूंद भर, ऐसे डालना है आपने। ओह जस्ट लुक एट इट, डिजॉल्व हो गया ना, मतलब ये अभी नहीं बना है। एक स्टेज आएगी जब ये डिजॉल्व नहीं होगा, एंड व्हेन आई ड्रॉप दैट ड्रॉप इनटू द वाटर, तो वो एक मतलब ड्रॉप की तरह ही रहेगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा इस पानी में, तब हमें पता चल जाएगा कि बन गया है। ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा दालचीनी डालूंगी, वैसे तो मैंने इलायची पाउडर भी डाला था जस्ट फॉर फ्लेवर, तो थोड़ा सा ये डालेगा। और अब एक नींबू डालती हूँ। अब वैसे तो जितनी मैंने क्वांटिटी प्लम्स की पहले डाली थी उसके ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है, क्योंकि कंसंट्रेट हो गया, अल्टीमेटली बहुत कम रहने वाला है। सो वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे डन। अब मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट्स रखूँगी और ये तैयार हो जाएगा। और
साथ ही साथ मैंने बॉटल को भी स्टरलाइज कर दिया था, इसको मैंने बॉइलिंग हॉट वाटर में डाल दिया था। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है वी हैव टू स्विच ऑफ द स्टोव, उसके बाद बॉटल डालनी है, ठीक है। फिर उसको आप कवर करके भी रख सकते हैं, काइंड ऑफ फिक्स स्टरलाइजर घर पर बन जाता है ये, और इसको रहने दीजिए जब तक ये बन रहा है। और अब क्योंकि मुझे तो ऑलमोस्ट इसको रखे हुए हाफ एन आवर हो चुका है, तो मैं इसको निकाल लूँगी, मीनवाइल इसको क्लीन करूँगी, तब तक ये भी बनता रहेगा। ओके, सो अब जैम ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा तो मुझे हल्का सा टैंगी लग रहा था, तो मैंने इस स्टेज पे भी इसमें हल्की सी शुगर ऐड कर दी है, और इसको थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस आउट करने के लिए मैं इसमें काला नमक ब्लैक सॉल्ट भी ऐड करूँगी। और फिर उसके 2 मिनट के अंदर जब ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा ना अच्छे से, वील डू द वाटर टेस्ट। और मैं कितना सॉल्ट डाल रही हूँ, ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून। ओके, जस्ट गिव इट अ नाइस स्टर। अभी ये ड्रॉप टेस्ट के लिए भी रेडी है, सब मिक्स हो जाए ना अच्छे से। वैसे ये स्टेप ज़रूरी नहीं था, इट्स योर पर्सनल चॉइस, क्योंकि मुझे ज़्यादा टैंगी फ्लेवर पसंद नहीं है, सो आई डिड दिस। अब ये ड्रॉप टेस्ट, अगर ये ड्रॉप रही तो मतलब इट्स डन। ओ यस, इट इज़ रेडी नाउ। अच्छा, वन मोर थिंग, जो हमने इसमें वो डाला था ना सिनेमन स्टिक, उसको हम निकाल देंगे, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट कि वो बीच में आए। सत्या भी